अस्सलामु अलैकुम। वॉइस ऑफ कश्मीर एफएम न्यूज नेटवर्क के साथ मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हमारी कोशिश है कि आजाद कश्मीर के ऐसे इलाके जो कुदरती आफात की खतरात के जद में हैं, वहां खतरात से निमटने के लिए हम वक्त तैयार रहें। सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान। नौजवान खुद को बानी पाकिस्तान कायदे आजम और मुफक्कर पाकिस्तान मोहम्मद इलामा इकबाल के अफकार के मुताबिक आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार करें। वजीर इत्तलात सियाहत मुश्ताक मिन्हास। हुकूमत आजाद कश्मीर ने कोरोना वायरस के मुमकिन खतरात से निमटने के लिए हिकमत अमली तरतीब दे दी। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान 6 से 9 मार्च तक पुंछ और कोटली का दौरा करेंगे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। और सबसे पहले आपको बताएं, सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि आजाद कश्मीर के ऐसे इलाके जो कुदरती आफात के खतरात की जद में हैं, वहां खतरात से निमटने के लिए हम वक्त तैयार रहें, ताकि किसी भी कुदरती या नागहानी आफत से हर मुमकिन कामयाब तरीके से निमटा जा सके। कुदरती आफात के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के खतरात से भी भरपूर आगाह हैं। वजीर इत्तलात सियाहत मुश्ताक मिन्हास ने कहा है कि नौजवान खुद को बानी पाकिस्तान कायदे आजम और मुफक्कर पाकिस्तान इलामा इकबाल के अफकार के मुताबिक आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार करें। हमारी 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, अगर ये मुस्बत अंदाज में पेशकदमी करे तो अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे। नौजवान खुद को जदीद तालीम से आरास्ता करें। हुकूमत आजाद कश्मीर ने कोरोना वायरस के मुमकिन खतरात से निमटने के लिए हिकमत अमली तरतीब दे दी है। चीफ सेक्रेटरी मथर नयाज राणा की जेर सदारत इजलास में आईजी समेत तमाम महकमों के जिम्मेदारान ने शिरकत की। इजलास में कमिश्नर मुजफ्फराबाद पुंछ और मीरपुर को भी वीडियो लिंक पर लिया गया। शुरका ने चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कोरोना के खतरात से निमटने के लिए तमाम इकदाम कर लिए गए हैं। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान 6 से 9 मार्च तक पुंछ और कोटली का दौरा करेंगे। मुतअद्दद तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। नए तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद और आवामी इज्तमात से खिताब करेंगे। सेक्रेटेरिएट एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने 20 मार्च तक जुमला दफातर हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूलों और मुंसलिका महकमा जात में बायोमेट्रिक सिस्टम की तंसीब और उसाज़ा कराम और मुलाजमीन की बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन दे दी है। मुकर्रा तारीख तक बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले उसाज़ा कराम और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वोक एफएम न्यूज नेटवर्क से अब तक इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वोक एफएम न्यूज नेटवर्क के साथ। Thank you.